बहुत ही कोई हैवी सिचुएशन हो गई है कि एक बॉल पे चार रन चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे मेरे लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अच्छा सीन ऐसा है कि अभी हम लोगों का टूर्नामेंट थोड़ा लेट हो गया था, जो हम लोगों ने टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करा है, ये हमारे लड़के बॉयज वगैरह सब। क्या कहते हैं आप इस टूर्नामेंट के बारे में? भाई टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो रहा है, अभी ग्राउंड में स्टार प्लेयर्स पे टूर्नामेंट हो रहा है। तो भाई मुबशिर यहाँ पर कौन आने वाला है जिसका इतना इंतजार है? भाई आप जैसा देख रहे हैं माहौल दिखाए, माहौल जैसा सरगर्म हो चुका है, बच्चे हर जगह आवाम ही आवाम है, तो जिसका सबको इंतजार है वो प्लेयर आने वाला है असद शाह, तो उसका नाम ही काफी है भाई, उसका सबको इंतजार है। नहीं असद आ रहा है, बहादुर लेफ्टी आ रहा है और दाऊद पठान आ रहा है, तीन नाम आपके लिए काफी होने चाहिए। अभी की सरजमीन पे अभी की सरजमीन पे एक बार फिर वो मेला सजाने आ रहा है, तो आप लोग व्यूवर्स हमारे देखें, मैच एंजॉय करें बस। असद के बहुत सारे फैन हमारे साथ मौजूद है, असद का इंतजार हो रहा है अभी पे, और ये असद के भाई फाइक भाई अब बताएं ऐसा अच्छा का यहाँ पर बड़ा इंतजार हो रहा है। ये सारा मेहनत वगैरह जो करी है हमारे गुजरात भाई ने करी है, हमारे गुजरात भाई पीछे खड़े हैं, उनको दिखाओ, नजर तो नहीं आएंगे अभी, बिजी है पर रोशनी नजर आ जाएगी, नजर आएगी बस। अब तो असर के दादी आप कौन कौन आ रहा है फाइक भाई? बे सिग्नल चलेगा, सिग्नल हटो हटो तुम्हारी लेना स्टार्ट करें। यहाँ असर शाह के साथ कौन कौन आने वाला है? यार असर शाह के साथ शफी आगा आ रहा है और कामिल एफटी है, ये मशहूर भाई ने स्पॉन्सर करे, ये मशहूर भाई है हमारे, मशहूर भाई ने बोला कि अभी ग्राउंड के लिए कुछ करना है तो ग्राउंड में अभी तक भैया तो नजर नहीं आया, आ रहा है ना असर भाई पागल हो गए सत के आने पे। ये बत्तियां लाया कर रहे लोग, बत्तियां ये क्या है? नबील भाई आप पूरी रात सोए नहीं, असद के आने की खुशी में तो आप कुछ कहना चाहेंगे? टूर्नामेंट अच्छा हमारा बस। भाई भाई असद आ गया है, भाई कहा था मशहूर भाई ने कि आएगा तो आएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर असद शाह की हबीब ग्राउंड में एंट्री हो चुकी है और असद शाह आपके सामने हबीब ग्राउंड के पंडाल में आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल में यहाँ पर मौजूद है अभी एक बार कोच के प्लेयर और असद आ चुका है। जलवा है हमारा, हाँ ये कर लो पहले। अस्सलामुअलैकुम, तो भाई मशहूर भाई की टीम पहले टॉस जीत के बैटिंग करी है, मशहूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, असद भाई मौजूद हैं, सैफुल्ला भाई मौजूद हैं, रफ़ी है और बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर हबीब ग्राउंड पर आ चुके हैं। तो भाई फाइक भाई असद भाई बैटिंग पर आ चुके हैं और मशहूर भाई आपको बहुत ज्यादा सलाम हो इस बात के ऊपर कि आपने सरजमीन पर बुलाया, इनको बहुत बहुत मुबारक हो, इनकी साइड से असद खेलना है भाई। तो मशहूर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, असद भाई अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, इंशाल्लाह टूर्नामेंट में करने की कोशिश करेंगे बस, और आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये टूर्नामेंट विन करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, असद का नाम ही काफी है, बिल्कुल माशाल्लाह, हमने देखा कि असद चाय के इतने ज्यादा फैंस मोहब्बत है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको बताते चलूँ असद चाय विकेट पर मौजूद,
उनका साथ देंगे रदा चांडियो। और ये हबीब की सरजमीन हबीब ग्राउंड, और हमारे साथ मौजूद है साद भाई, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर। साकिब भाई, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा अच्छा बैटिंग पर आ चुका है भाई? ये हमारे मशहूर भाई की मेहरबानी है जो इन्होंने बुलाया, बाकी अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। और पहला बॉल होते जा रहा है, तो पहला बॉल और पहला छक्का दादा चांडियों की जानिब से, पहला ही बॉल और पहला छक्का सोहेल लेफ्टी को पड़ा है, पहला ही बॉल और पहला ही छक्का। असद शाह बा मुकाबला शर्मानी स्पोर्ट्स। मिस्टर 360 विकेट पर मौजूद चौथा बॉल फेस करेंगे मिस्टर 360 असद शाह। पहली बॉल पे बॉलर की क्लास 6 रन, देखना पड़ेगा 4 रन। आपको जाना होगा टॉप रैंकिंग आसिफ से, यहाँ पर विकेट आपके नाम की है और कैच लिया है हारिस अली ने। मैंने पहले आपको बताते चलूं, बहुत बड़ी विकेट है सच्चा जो कि डन आउट वापिस जा रहे हैं, दो ही छक्के मार सके। कामी भाई विकेट पर आ चुके हैं, असद शाह के आउट होने के बाद अब कामी लेफ्टी को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। कामी लेफ्टी विकेट पर मौजूद हैं, बॉल करेंगे पहला बॉल और पहला छक्का कामी जी की तरफ से, बहुत बड़ा खेल। आज पहली बॉल का सामना करेंगे उबैदुर रहमान, चले बॉल करेंगे वो बैठ रहे हैं, आपको नहीं बॉल पे क्या होगा सभी चले। और बहुत लंबा छक्का कामी की जानिब से 6 रन, इसकी सभी सुनाब से चले बोल सके। इस बार रजा चांडिया ने अपना कमाल कर रखा है, आसिफ मलिक का कमाल के गेंदबाज है आसिफ खान, आसिफ महसूद एक बार फिर और तो भाई मैच की सूरत हाल को जिस तरीके से है कि 4 ओवर में 32 रन है मशहूर स्पोर्ट्स के सिनमारी स्पोर्ट्स के खिलाफ, और विकेट पर कामी मौजूद है और रजा चांडियो मौजूद है, तो देखते हैं कि क्या टारगेट सेट करके देते हैं ये सिनमारी स्पोर्ट्स को। तो मैं आपको बताता चलूँ, सिनमारी स्पोर्ट्स में अशरफ पठान, दाऊद पठान, बहादुर लेफ्टी, उबैद लेफ्टी, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं उधर और अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। हबीब ग्राउंड की सरजमीन पर 5 ओवर का खेल जारी, मतीउर रहमान ऑन द मार्क, बॉलर आए बॉल को क्रॉस किया और अच्छा बॉल और अजय चांडियो को स्ट्राइक दी कामी ने और ये रन आउट हो गए। और बैटिंग पर आ गए शफी आगा, जो नहीं करते छक्कों का नागा शफी आगा। चौथा बॉल करेंगे मतीउर रहमान, फेस करेंगे शफी आगा। ओह स्लो वन बॉल, अच्छा बॉल, 1 रन मिलेगा। अब तक 4 बॉले बहुत अच्छी करी है मतीउर रहमान ने, देखना पड़ेगा 2 बॉले और कैसी करते हैं भाई। 4 ओवर में मशहूर स्पोर्ट्स का बढ़ता हुआ स्कोर है 82 रन और 5वां ओवर 3 बॉले बहुत अच्छी जा चुकी हैं, तो आपका क्या कहने का राधा है कि कौन सी टीम विन करेगी? क्योंकि अगर अगेंस्ट में देखा जाए तो वहाँ पर दाऊद पठान, अशरफ पठान, उबैद लेफ्टी और बहादुर लेफ्टी है, उबैदुर रहमान भी, दाऊद पठान,
तो आप बताएं कि कौन सी टीम विन करेगी। दोनों साइड ही मतलब टफ, मगर हम तो अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। दादा मेरे भाई, लेकिन असद शाह, असद शाह तो ब्रांड है हमारा, जो बात है मतलब उसका आना बहुत बड़ी बात है, आना सबका ही बहुत बड़ी बात है, बट हमारे ये जो पर्सनली है ना, मैं जो पसंद वो असद है, जो बात है, क्लियर बात है, हमारे दिलों की जान है। ऐसा अच्छा हमारे ग्राउंड में सर, हमारे मशहूर भाई ने बुलवा लिया, हमारे नहीं, हमारे कहने पे ये बहुत बड़ी बात है। ये है कि इंशाल्लाह आप लोग चैनल सब्सक्राइब करवाया लोगों से या नहीं करवाया, मतलब तो आप खुद ही बता दो ना यार, कम से कम चैनल वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस वगैरह हम लोग दिखाते रहे। चलो एक दफा फिर चौथा बॉल फेस करेंगे दादा चांडियो, बॉलर एम्पायर को क्रॉस किया और दादा चांडियो का शॉट, देखना पड़ेगा क्या होता है। इस ओवर का पांचवा बॉल करेंगे मतीउर रहमान, फेस करेंगे शफी आगा, बॉल आ रहा है, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की और अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे और कैच। ताकि भाई मशहूर स्पोर्ट्स ने शनवारी स्पोर्ट्स को कितने का टारगेट दिया है? 94 का टारगेट दिया है। तो कौन सी टीम विन करेगी भाई? जो अच्छा खेलेगी वो विन करेगी। वैसे अगर देखा जाए शनवारी स्पोर्ट्स में अशरफ पठान, दाऊद पठान और उबैद लेफ्टी और बहादुर लेफ्टी जैसे बैट्समैन मौजूद है, बहुत बड़ी हारिस अली भी है, सब मतलब बैटिंग बहुत बड़ी है उनकी, इंशाल्लाह देखें जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो स्कोर बताते चलिएगा, ये स्कोर है 5 ओवर में है, ये 94 का टारगेट, 94 रन का टारगेट है। वीडियो कॉल बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे वीडियो, आज ही शर्ट लाई जा रही है और फहद स्पोर्ट्स की जानिब से, और देखो 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 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, उनको भी दिखा दे, जरा शर्ट लेके गिर बच्चों के लिए, सब बच्चे जरा तालियां बजाएं। प्रैंक हो गया आपके साथ भाई, बहादुर लेफ्टी और दाऊद पठान विकेट पर आ चुके हैं, 94 रन का टारगेट है भाई, बहुत ही कोई पीक का मैच है क्योंकि सामने असद शाह थे, असद शाह ने, असद शाह की टीम ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया है और सामने भी कोई कम बैट्समैन नहीं है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहादुर लेफ्टी है और पीछे हमारे पुराने चावल पठान भाई आज आ रहे हैं विकेट पर, तो भाई रियाज भाई भी मौजूद है हमारे साथ, रियाज भाई कुछ कहना चाहेंगे आप इस मैच में? टूर्नामेंट का आगाज बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह से, सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी, अल्लाह पाक इसको और आगे तक लेके जाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी में इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इंशाल्लाह कोशिश ये कि जल्द से जल्द लाइटों का इंतजाम किया जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाइटें ओपन करेंगे और नाइट में इंशाल्लाह आपको मैचेस मिलेंगे देखने को इंशाल्लाह। और बैटिंग पर मौजूद दाऊद पठान, उनका साथ देंगे बहादुर लेफ्टी, दस बॉल है 33 रन दरकार, बहादुर लेफ्टी विकेट पर मौजूद, 33 रन एक बार फिर शॉट, देखना पड़ेगा 4 रन, एक और बाउंड्री चले की बहुत बड़ी विकेट ले गए दादा चांडियो, आठ बॉल 29 रन दरकार, आने वाले बैट्समैन उबैद लेफ्टी, एक बार फिर दादा चांडियो आए, एम्पायर को क्रॉस किया, फुल टॉस बॉल, हो गया हो गया हो गया, और 3 रन बन चुके हैं, 3 रन बन चुके हैं, 7 बोले 26 रन दरकार, 7 बोले 26 रन दरकार, दाऊद खान पठान ऑन स्ट्राइक, 6 रन, ऐसा है कि आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए और ये बहुत ही कोई हैवी मैच हो रहा है, असद शाह आप लोग हर कोई जानता है, बहादुर लेफ्टी के
अगेंस्ट। बहुत ही हैवी मैच है, आप ज़रूर इस मैच को देखिएगा, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे, हमारे ब्लॉग में दिखाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये बहुत ही कोई अभी इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है। बहुत ही कोई हैवी सिचुएशन हो गई है कि एक बॉल पे 4 रन चाहिए शेरवानी स्पोर्ट्स को और अगेंस्ट में है असद शाह। बहुत ही कोई हैवी है, अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। ये है कि आखिरी के शॉट हम आपको कवर अप करवाएंगे, इंशाल्लाह दिखाते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है, उसको बारे में फिर बताइएगा आप। अच्छा सीन ऐसा है कि हारे असद शाह हैं और आप दस देख लो बहादुर लोगों की तरफ कम है, असद शाह की तरफ दस ज्यादा है माशाल्लाह। ये समझ भी नहीं आया सीन, भाई वो लोग जीते हैं आप, मतलब प्रोटोकॉल देख रहे हैं की ये हमारी टीम मशहूर भाई को दिलासे देते हुए। कमेंट्स वगैरह में ज़रूर बताइएगा कि आपके किसके फ़ैन हैं, मतलब असद शाह के, बहादुर लेफ्टी, अपना फेवरेट क्रिकेटर के बारे में ज़रूर बताइएगा। हम आपको आगे ऐसी क्रिकेट दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। हबीब ग्राउंड से, लांडी हबीब ग्राउंड से हमारी टीम है, हबीब मारखोर, हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।